इन द प्रोडक्शन एनेलिसिस अंडर द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द संक कॉस्ट संगट कॉस्ट दैट हैज़ नाउ नॉट द कैपेसिटी टू बी रिट्रीव एंड इट केन नाट बी टेकन बैक बाई द एंटरप्रन्योर और अगर इसको हम सादा अल्फाज में कहें तो ये वो रकम है जिसको अगर हम कहें कि जो संग हो गई डूब गई तो सरमा करी में बहुत दफ़ा हमने ये अल्फाज पढ़े होंगे कि सरमा डूब गया या रकम डूब गई तो उसमें उसकी मुराद थोड़ी सी डिफरेंट होती है वहाँ सरमायाकारी डूबने से मुराद होती है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं हो रहा या बिज़नेस वायबल नहीं है लेकिन जब हम एक्चुअल इकनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो यहाँ संग कॉस्ट दोनों तरह से चलेगी कि अगर सरमायाकारी हो गई और बिजनेस प्रॉफिटेबल है तब भी ये संग कॉस्ट ही रहेगी और अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तब भी ये संग कॉस्ट है लेकिन इसके पीछे इसका बेसिक मफहूम ये है कि कॉस्ट वंस दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू रिट्रीव इट बैक वो उसी सरमाए को एक दफ़ा लगाने के बाद दोबारा उसी शक्ल में हासिल नहीं कर सकता कि वो उसको दोबारा किसी और सरमायाकारी में लगा सके किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके अब यहाँ अगर हम देखें तो सरमाकारी के दौरान जब डिसीजन एक एंटरप्रेन्योर को लेने होते हैं तो हमारे सामने मुख्तु एग्जाम्पल्स आते हैं अब उस एग्जाम्पल्स में अगर हम जाएँ तो हम कह सकते हैं कि अगर एक एंट्रप्रोर ने एक ऑफिस को रेंट पे लिया है विद एग्रीमेंट तो जब उसका एक एग्रीमेंट हो गया तो अब उसका वो बिज़नेस का प्लान वो उसको कैंसिल करता है शुरू करता है कंप्लीट करता है वट एवर उसको उस एक साल के एग्रीमेंट के तहत उसको वो पेमेंट्स देनी है तो ये उसके लिए संग कॉस्ट होगी इसी तरीके से अगर वो कहीं कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है ख़रीदने के बाद उसके ऊपर बाकी बिल्डिंग बनानी है नहीं है तो कुछ मसाइल ऐसे आ जाते हैं कि प्लान डिले हो जाता है लेकिन वो वाली इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पे वंस लगा चुका है अब यहाँ पे अगर हम कहें तो ये ऐसा नहीं है कि वो टोटल रकम कभी रिट्रीव नहीं हो सकती देर आर सर्टन ऑस्पेक्ट्स कि हम कहें कि हमने एक ऑफिस है या बिल्डिंग है तो उसके लिए हम उसको डेफिनेटली यूटिलाइजेशन के लिए पेंट करते हैं तो आपको पता है कि जब पेंट के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट हो गई अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो वाली चीज़ या रिपेयर पे लग गई उसकी रेनोवेशन पे बाकी चीज़ों पे तो वो रिट्रीव नहीं हो सकेगी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जैसे हम कहते हैं कि उसके लिए ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया गया उसको रेनोवेट करते हुए तो वो फर्नीचर को वो दोबारा सेल आउट कर सकता है तो वो है वो भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट संक कॉस्ट तो लेकिन संक कॉस्ट में कुछ हॉस्पेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम उसको नॉट अप टू द एक्चुअल अमाउंट लेकिन कुछ हद तक रिट्रीव हो जाता है लेकिन एक्चुअली दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसको रिट्रीव करके किसी और सरमाकारी में फ़ौरी तौर तो पर लगा सकें इसीलिए मोस्टली ड्यूरेबल गुड्स या कुछ ऐसी जिस तरह मैंने पेंट वर्क की एग्जाम्पल ली है तो वो इस तरह की चीज़ों में या रिपेयर के कुछ इसमें जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो वो हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए कॉस्ट का रूप अख्तियार करें थैंक